सऊद शकील ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में नई तारीख रकम कर दी। सऊद शकील 7 मैचेस में मुसलसल निसफ सेंचुरियां स्कोर करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का शेड्यूल तब्दील किए जाने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदुओं का त्यौहार नवरात्रि की वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारतीय बोर्ड को तारीख तब्दील करने का कहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल हो सकता है। मलेशिया के फास्ट बॉलर सियाजरुल इदरूस ने T20 क्रिकेट में अनोखा एजाज अपने नाम कर लिया। T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजनल क्वालिफायर मैच में मलेशियन फास्ट बॉलर ने चीन के खिलाफ T20 मैच में सिर्फ 8 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। T20 मुकाबलों में अब तक ये किसी भी बॉलर की सबसे शानदार कारकर्दगी है। कनाडा में जारी ग्लोबल T20 टाकरे में सरे जैगवार्स की विक्ट्री। सरे जैगवार्स ने टोरंटो नेशनल्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। सरे जैगवार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 35 गेंदों पर 47 रन की इनिंग्स खेली। साद बिन जफर ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन रवाना किया। जमान खान, वहीम अशरफ और फजल हक फारूकी ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में टोरंटो नेशनल्स 9 विकेटें गंवाकर 121 रन तक महदूद रही। कॉलन मनरो ने 27 गेंदों पर 43 रन बनाए। जे समिट और शाहिद अफरीदी ने 23-23 रन की इनिंग्स खेली। 10-10 ओवर के इनिंग्स, चौके, छक्के और कैचेस। जिम्बाब्वे में जिम एफ्रो T10 में दिलचस्प मुकाबले जारी। डर्बन कलंदर्स ने जोहानिसबर्ग बफलोस को 2 रन से हरा दिया।